الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون इस्लामी और दीनी भाइयों और मोहतरम असाज़े इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फजलो एहसान है कि आप और मैं तकरीबन 7 महीने के बाद आज इस जुमा के मौके से इकट्ठे होते रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं। अगरचे दरमियान में इस कैंपस में रहने वाले लोग इस मस्जिद में हाजिर होते रहे, लेकिन बाहर से आने वालों के लिए एक परेशानी रही कि उनके लिए मस्जिद नहीं खुल सकी। चूंकि हालात कुछ इस तरह के थे, इन 7 महीनों के दौरान हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ देखा है और किस किस तरह के हालात से आप और हम दोचार हुए हैं, उससे एक अकलमंद इंसान को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, इबरत हासिल हुई है, नसीहत हासिल हुई है और शायद इंसान अपनी सारी तरक्कियों के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था और इंसानों की अक्सरियत बगावत और सरकशी पर इस तरह से उतर आई और उसने यह समझ लिया कि कोई ताकत और कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो इस इंसान को चैलेंज कर सके। लेकिन इस वक्त और जिन सख्त तरीन हालात से हम लोग दोचार हुए हैं, इंसानियत ने यह तस्लीम कर लिया है कि वाकई कोई हस्ती है
जिसे हम चैलेंज नहीं कर सकते। उसी हस्ती ने एक नजर ना आने वाला मामूली सा वायरस ऐसा दुनिया में भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है कि कब इससे नजात मिलेगी। आज भी हम इस वायरस की जद से आजाद नहीं हुए। इसके खतरात अभी भी मौजूद हैं, लिहाजा एहतियात भी हमें करनी चाहिए। जो हिदायत, जो तालीमात और जो उसूल और जवाबित आपको बतलाए गए हैं, बतलाए जाते रहे हैं, और आज भी मैं आज उसकी ताकीद करता हूं कि मस्जिद में आने की इजाजत है, लेकिन आप जो उसूल है, जो हिदायत है, उनका एहतमाम करें, मास्क लगाएं और जो दूरी है उसको बनाए रखें, इस चीज का एहतमाम करें, और गेट मैन है उनके साथ तआवुन से पेश आए। इसलिए कि सुनने में जहां कहीं मस्जिदें खोली गई या अभी तक जहां पर जुमा का खुतबा होता रहा है, वहां लोगों को एक परेशानी पेश आ रही है कि लोग इन हिदायत पर अमल नहीं कर रहे हैं, बगैर मास्क के मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, और हमारे दरमियान बाज अफराद ऐसे भी मौजूद हैं जो कोरोना की या इस वायरस की हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है? नादानी है, जहालत है, या ये कहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल व एहसान है कि जो लोग महफूज हैं उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो इसकी जद में नहीं आए। एक अजीज है, मेरे रिश्तेदार हैं और एक बड़े शहर से ताल्लुक रखते हैं, जिम्मेदार लोगों में से हैं, वो भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये कोई चीज है, इसकी कोई हकीकत है। लेकिन चूंकि उनका काम पब्लिक पैलेस में था और जब वो जद में आए, लेने के देने पड़ गए, दुआओं की सोशल मीडिया पर दरखास्तें की जाने लगी और अस्पताल वालों ने सिलेंडर के साथ घर रवाना कर दिया कि आप घर में जाके सांस लें, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको शिफा अता फरमाई, मुलाकात हुई और उन्होंने जिक्र किया कि मुझे अब ये एतराफ हो गया है कि ये कोई चीज है। हमारे दिमाग और हमारे जहन से ये चीज निकल जानी चाहिए कि ये कोई चीज नहीं है, चाहे ये साजिश के जरिए से ये चीज हम तक आई है, इंसानों की हलाकत का सबब बन रही है, कोई साजिश है जैसा कि बहुत सारे लोग समझते हैं, या बगैर किसी साजिश के ये चीज आई है। लेकिन जो एहतियात आपको बतलाई जा रही है उस पर अमल करने की कोशिश करें, और ये चीज तवक्कुल के खिलाफ भी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये तवक्कुल के खिलाफ है, मास्क लगाना, एहतियात करना। माफ फरमाइएगा, तवक्कुल ये नहीं है, तवक्कुल ये है, सही तवक्कुल की बात मैं कह रहा हूं, सही तवक्कुल ये है कि आप जितने भी जायज और मशरू असबाब है उनको अपनाएं, इख्तियार करें, और उसके बाद उसका नतीजा और रिजल्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले कर दें कि हमने अपनी हिफाजत के लिए एहतियात बरती है, और अगर इसके बावजूद कोई चीज आपको लायक हो जाती है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, उसकी तरफ से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये तवक्कुल है, ये तवक्कुल नहीं है कि हम सारी एहतियात और सारी तदाबीर को बालाए ताक रख के, सीना ठोक कर, सीना खोल कर, और सब सबके सामने आ जाएं और कोई एहतियात ना बरते, ये तवक्कुल नहीं कहा जा सकता इसको। बहरहाल, और दूसरी बात,
कि खुतबे का जो टाइम है उसमें थोड़ी सी तब्दीली हो गई है, 12:50 से इब्तिदा होगी खुतबे की और 12:20 पर खुतबे को खत्म कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये दूसरी चीज है, इसका भी लोग ख्याल रखें। और उसके बाद आज मुझे जो बात कहनी है, जिन अय्याम से हम गुजर रहे हैं वो रबीउल अव्वल का महीना है और यहां के कैलेंडर के हिसाब से आज रबीउल अव्वल की 5 तारीख, 5 रबीउल अव्वल है आज। और हम और आप जानते हैं कि लोग इस महीने में और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद इस महीने को किस निगाह से देखती है, इस महीने में क्या कुछ करती है। आजकल अखबारात और सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं कि लोगों ने इस महीने को वो मकाम, वो हैसियत और वो फजीलत देने की कोशिश की है जो हमारी शरीयत ने नहीं अता की है। हमारी शरीयत में इस महीने की फजीलत और उसकी अहमियत से मुताल्लिक मैं जिक्र करूंगा कि किस तरह की हिदायत मौजूद है या नहीं है। लेकिन इस उम्मत का एक बड़ा तबका यह कहता है कि यह महीना साहिबे कुरान का महीना है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस महीने में कुरान को नाजिल फरमाए उसको फजीलत दे सकता है, उसको अहम करार दे सकता है, तो आपसे यह सवाल है कि जिस महीने में साहिबे कुरान आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस महीने में तशरीफ लाए, क्या उस महीने की कोई फजीलत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह इस सवाल के जवाब की देने की कोशिश मैं करूंगा। इस महीने का नाम जिस महीने से हम गुजरते हैं रबीउल अव्वल है और इसके बाद जो महीना आएगा वो रबीउल सानी कहलाता है। अहले लुगत के यहां अरबी जबान में ये लफ्ज रबा बिल मकान, रबा यरबो, रबा बिल मकान से बनाए। रबा बिल मकान के माना होते हैं किसी जगह पर ठहरना, कयाम पजीर होना, यह माना बयान किया जाता है। और इसी से एक लफ्ज आता है रबउन, घर का जो लान होता है, सहन होता है, आंगन होता है, उसको रबउन कहा जाता है। और रबी, रबी का माना मौसम बहार किया जाता है, सर्दी और गर्मी के दरमियान का जो मौसम होता है, जो वक्त होता है, उसको रबी कहा जाता है या उर्दू वाले उसको मौसम बहार कहते हैं। और ये लफ्ज रबी एक लंबी हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी, सही सनद के साथ मरवी है। अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर मुहद्दिसीन ने हदीस को सही करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लंबी हदीस में मुख्तलिफ दुआएं जिक्र की हैं अल्लाह ताला से। जो दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते थे उनमें से एक दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जुमला उस हदीस का ये है, अन तजअल अल कुरान रबीअ कल्बी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला तो कुरान को मेरे दिल का मौसम बहार बना दे, मेरे दिल में कुरान के जरिए से बहार आ जाए। कैसे बहार आ जाए? शारहीन हदीस लिखते हैं कि जिस तरीके से मौसम रबी के अंदर बारिश होती है, सरसब्जी होती है, शादाबी आती है,
हरियाली आती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत के जो आसार हैं, जो निशानियां हैं वो नजर आने लगती है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के जरिए से मेरे दिल में मेरा ईमान पुख्ता कर दे, मेरे उलूम मआरिफ में इजाफा फरमा दे और इस कुरान के जरिए से कुफ्र को, शिर्क को, शुकूक को, शुभात को मेरे दिल से खत्म कर दे, मिटा दे। बंदा ये दुआ करता है, हमें और आपको भी इस तरह की दुआ का एहतमाम करना चाहिए। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ रबीब इस मुनासिबत से इस्तेमाल किया है जिसका माना मौसम बहार होता है। आखिर इसकी वजह तस्मिया क्या है, इस महीने को ये नाम क्यों दिया गया जिस महीने से हम गुजर रहे हैं? तो एक वजह तो ये बयान की जाती है कि अहले अरब मौसम बहार गुजारने के लिए घरों में मुकीम हो जाया करते थे, अपने ठिकानों पर पहुंच जाया करते थे, इसलिए कि इससे पहले का जो महीना है सफर का उसमें और उससे पहले जो महीना था मुहर्रम का उसमें जंग करने की, लड़ने की पाबंदी थी और सफर के महीने में निकल खड़े होते थे अपनी मईशत को तलाश करने के लिए, रोजी रोटी तलाश करने के लिए, जंग करने के लिए, लड़ने के लिए, कि इसलिए कि अब आजादी हो गई है और ये मौसम खुशगवार होता है। इसलिए ये खुशगवार मौसम गुजारने के लिए रिहायश पसीर हो जाया करते थे। इस मुनासिबत से इसका नाम रबी रखा गया है और बाज़ उलमा ने जिक्र किया है कि जिस वक्त इस महीने का नाम रखा गया वो मौसम बहार था, इस मुनासिबत से इसको रबी का नाम दिया गया है। तो बहरहाल ये वजह तस्मी है। आखिर इस महीने का और भी कोई नाम हो सकता है या है? अहले अरब के यहां और शरीयत की जो नुसूस है उनमें जो नाम आया हुआ है वो रबी का लफ्ज आया हुआ है, लेकिन अहले अरब के यहां एक चीज के कई नाम हुआ करते हैं। एक और नाम उलमा ने जिक्र किया है, खिवान। ये खिवान अरबी में दस्तरखान को कहते हैं। हो सकता है अरब के लोग बहुत ज्यादा सखी हुआ करते थे, फयाज हुआ करते थे, जब रियायत पजीर है तो लोगों की दावतों का एहतमाम करते रहे हो, दस्तरखान बिछा रहता रहा हो, इस मुनासिबत से इसको दस्तरखान का महीना खिवान। और बाज उलमा ने इसको एक और नाम इसका जिक्र किया है, कहा मौरिद भी जिक्र किया। मौरिद के माना चश्मे के होते हैं कि चश्मे का महीना है। हो सकता है कि इकामत की वजह से इस महीने के दौरान पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती रही हो और जानवरों को पानी के लाने का एहतमाम किया जाता रहा हो कसरत से, इस मुनासिबत से इसका इस महीने का नाम मौरिद रखा गया। आइए, क्या इसका और भी कोई नाम हो सकता है या लोगों ने रखा हुआ है? जी हां, हमारे जमाने के जो मुसलमान हैं उन्हें जिद्दत में और खासतौर से दीन के नाम पर नई नई चीजें निकालने में बहुत अच्छा लगता है। समझते हैं कि हम अगर कोई नई चीज निकालेंगे तो उसमें जो अजर व सवाब मिलेगा वो उस चीज में नहीं मिलेगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है। हमारे बर्रे सगीर हिंद और पाक के जो मुसलमान हैं उन्होंने एक और नाम में तलाश कर रहा था, एक नाम दिया है रबी अन्नूर। ये क्या है? नूर का मौसम बहार है, रोशनी का मौसम बहार है। आखिर ये क्या चीज है रबी अन्नूर? ये नाम क्यों इस महीनों को दिया गया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो ये कहकर याद करते हैं या नूरम मिन नूरिल्ला, अल्लाह के रसूल को बशर इंसान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर करार देते हैं, और वो भी कौन सा नूर? नूरम मिन नूरिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, ये वो नूर मानते हैं। कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद। सारे मुसलमान इस छोटी सी सूरत को हर नमाज में कितनी दफा पढ़ते हैं, कुछ अंदाजा है? कसरत से पढ़ते हैं, बहुत दफा पढ़ते हैं। लेकिन हमारी मुसीबत और परेशानी ये है कि हम जो कुछ नमाज में पढ़ते हैं उसको समझते नहीं, और इस मुख्तसर तरीन तौहीद का खुलासा आप कह सकते हैं। इस सूरत को बहुत फजाइल है, इस सूरत के मैंने किसी मौके से बयान भी किए। इस सूरत में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात से किसी को पैदा नहीं किया है, जना नहीं, ना वो किसी जात से पैदा हुआ है। लम यलिद वलम यूलद। लेकिन हैरत की बात यह, इसके बावजूद मुसलमानों की बड़ी तादाद है ये समझती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी जात के नूर से पैदा फरमाए। और इसकी बुनियाद भी एक घड़ी हुई हदीस है, बेसनद और बेसरूपा बात कही जाती है। बहरहाल तो इस मुनासबत से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महीने में पैदाइश हुई है, आप दुनिया में तशरीफ लाए, नूर आया है। चलिए हम मान लेते हैं कि नूर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आप नूरे मुजस्सम नहीं है। अगर आप नूर है तो वो नूरे हिदायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इंसानियत को हिदायत मैसर हुई, और आप जो तालीमात लेकर आए हैं, जो शरीयत जो दीन लेकर आए हैं, उसके जरिए से कयामत तक इंसानों के लिए इंसानों को हिदायत हासिल होती रहेगी इंशाल्लाह। तो आप नूरे हिदायत हैं अगर नूर माना जाए तो, लेकिन नूरे मुजस्सम नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल इस मुनासिबत से लोगों ने इस महीने को नाम दिया हुआ है कि ये हमारे नबी की पैदाइश और आपकी आमद का महीना है, जो नूर आया था अल्लाह ताला ने अपनी जात से जिसको पैदा फरमाया था। ये अकीदा हमारा दुरुस्त हो जाना चाहिए। और एक साल पहले की बात है, इसी मुनासिबत से मुझे मक्का जाने का इत्तेफाक हुआ, और आमतौर से दरमियान साल में जब मैं मक्का जाता हूं तो इतना रस इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस कदर रस इस कदर भीड़ मक्का के अंदर रबीउल अव्वल के महीने में, और मुझे ख्याल नहीं था कि रबीउल अव्वल का महीना है, नवंबर के आखिरी गालिबन अक्टूबर के आखिरी अय्याम थे। कुछ लोगों से दरियाफ्त किया कि आखिर वजह क्या है इस वक्त इस कदर भीड़ क्यों है लोगों की? कहा कि ये भीड़ इस वजह से है कि लोग साहिबे कुरान का महीना समझकर, साहिबे नूर का महीना समझकर इस महीने में खुसूसियत के साथ उमरा करने के लिए तशरीफ लाए। ये हाल है मुसलमानों का कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के महीने में उमरा किया जाएगा तो ज्यादा अजर और सवाब मिलेगा। इस नियत से लोग कसरत से, इस वक्त तो इजाजत भी नहीं है, इस कसरत से लोग रबीउल अव्वल के महीने में मुसलमान, हिंदू पाक के मुसलमान उमरा करने के लिए ज्यादातर यही लोग नजर आते हैं, वहां किसी और मुल्क के लोग बहुत कम नजर आएंगे, या वो लोग नजर आते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की मुनासबत से इस महीने को फजीलत वाला महीना समझते हैं। बहरहाल ये तो मसला था इस महीने के नामों का मसला था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इस महीने की
کوئی فضیلت، کوئی اہمیت، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ثابت ہے، جس طریقے سے رمضان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات اور اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور رمضان کی اتنی فضیلت ہے میں آگے ذکر کروں گا۔ سب سے زیادہ اگر 12 مہینوں میں کسی مہینے کی فضیلت ہو سکتی ہے تو رمضان کی فضیلت ہے۔ اگرچہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے اس سلسلے میں، لیکن قرآن اور احادیث کی دوسری نصوص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے، اور اس کے بعد بھی جمعہ امت ہے، رمضان کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے۔ اور اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ جس مہینے میں صاحب قرآن آیا ہے یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ سب سے افضل مہینہ ہے۔ قرآن نازل ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل ہو جائے اور صاحب قرآن آئے تو اس کی وجہ سے فضیلت حاصل نہ ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے خصوصیت کے ساتھ۔ اور دیگر مہینے شوال کے مہینے کے تعلق سے خصوصی ہدایات موجود ہیں اللہ کے رسول، شعبان کے مہینے کے تعلق سے ہدایات موجود ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر مہینے، محرم کا مہینہ ہے، 10 محرم کا روزہ رکھنے کی فضیلت حدیث میں مذکور ہے، یا محرم کے عام دنوں میں، عام ایام میں روزہ رکھنے کی فضیلت اللہ کے رسول سے موجود ہے، آپ کا قول موجود ہے۔ لیکن ربیع الاول کے مہینے کے تعلق سے جسے سب سے افضل قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں کوئی بھی ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود نہیں۔ اللہ کے رسول نے کسی بھی موقع سے یہ نہیں فرمایا ہے کہ یہ میری پیدائش کا مہینہ ہے اور اس میں خصوصیت کے ساتھ عمرہ کیا جائے، روزہ رکھا جائے، نماز پڑھی جائے، صدقہ کیا جائے، خیرات کی جائے، اور مسلمان بہت سارے نیک اعمال کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی ہدایت اس مہینے کے تعلق سے نہیں دی۔ دیکھیے، ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین ہیں علامہ نواب صدیق حسن خاں رحمت اللہ علیہ، لکھتے ہیں، لم یرد فی فضلہ حدیث فیما اعلم واللہ اعلم، کہتے ہیں کہ جہاں تک میں جانتا ہوں ربیع الاول کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں کوئی اہم عبادت انجام دی جائے اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ 12 ربیع الاول آنے والی ہے، لوگ کیا کیا کرتے ہیں اگر ان ساری چیزوں کو ذکر کیا جائے تو وقت بہت زیادہ وقت درکار ہوگا۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسی چیز کو فضیلت دے اور اہم سمجھے جس کو ہماری شریعت نے فضیلت دی ہے، جس کو اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں صحت اور تندرستی سے نوازے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفائے کامل عطا فرمائے، اور جس بیماری سے اور جس وائرس سے ہمارا سامنا ہے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے پوری انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔